नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हमारे सामने विज्ञान की प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अगली क्लास लेकर हैं आपके लिए, जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र। जी दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र कक्षा क्लास ये नंबर 6 है, जिसमें हम अंतःस्रावी तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो दोस्तों उन पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। तो दोस्तों, बताना है आपको अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चलो जल्दी से बता दो दोस्तों। चलो ठीक है, बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र का या अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा गया है। किसको कहा गया है? एडिसन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है जो सर्वप्रथम खोजा गया है? तो दोस्तों, एक बार बता दूं आपको, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके पास पहुंचे। दोस्तों, किसी भी न्यूज़ से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सिक्रेटिन हार्मोन है दोस्तों, जो सर्वप्रथम खोजा गया था। किसने खोजा था? ये बेलिस और स्टर्लिक दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था बेलिस और दूसरे का नाम था स्टर्लिक। इन वैज्ञानिकों ने किस हार्मोन की खोज की थी? सिक्रेटिन, जो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना चाहती हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में टपकने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है, जल्दी से बता दो। आपको 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसको बोलते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया था? तो दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन था वो था मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? तो दोस्तों, जल्दी से बता दो आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा गया है। तो दोस्तों, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है, पीयूष के नीचे। ठीक है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के साइड में ही पाई जाती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, मेलेनिन वर्ण का श्रवण किस हार्मोन के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से कि मेलेनिन वर्ण का श्रवण किस हार्मोन के द्वारा होता है, जल्दी से बता दो। चलो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेलेनोसाइट। देखो दोस्तों, मिल रहा है इसे, मिलेनिन से बन रहा है मेलेनोसाइट। ठीक है, तो देखो मिलेनिन और मेलेनोसाइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलेनोसाइट हार्मोन है जो मेलेनिन वर्ण का श्रवण करता है। और मेलेनोसाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि की 3 पालियाँ होती है, अग्रपाली, मध्यपाली और एक होती है पश्चपाली। तो मध्यपाली से मेलेनोसाइट हार्मोन स्रावित होता है, जो करता क्या है, हमें त्वचा के रंग आना उसका रंग निर्धारण करता है। सूर्य में हम अगर जाते हैं तो मेलानिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर का रंग काला हो जाता है। और मेलानिन की अगर मात्रा कम होती है तो शरीर गेहूँ रंग या गोरा रहता है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
कि बाल्यावस्था की ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया है, बाल्यावस्था की ग्रंथि। तो दोस्तों जल्दी से बता दो, बाल्यावस्था की ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को बाल्यावस्था की ग्रंथि कहा गया है दोस्तों। क्यों कहा गया है, क्यों ये 14 वर्ष तक ही सक्रिय रहती है, उसके बाद में ये ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये WBC के कार्य के विभेदन में काम आती है। WBC का कार्य क्या होता है, WBC का कार्य है प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों जल्दी से, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, दुग्ध श्रवण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा हार्मोन है जो दुग्ध श्रवण के लिए काम आता है। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुख शरण के लिए हार्मोन ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है या जिम्मेदार होता है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन सबको आना चाहिए दोस्तों, जल्दी से बता दो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, इंसुलिन होता है लेंगरहैंस की दीप कोशिकाओं की बीटा कोशिका से, कौन सी कोशिका से, बीटा कोशिका से। और लेंगरहैंस की दीप कोशिका कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में, कहाँ पर, अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों, तो अग्नाशय ग्रंथि में लेंगरहैंस की दीप कोशिका पाई जाती है जिसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन का श्रवण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतःस्रावी और दूसरी होती है बहिःस्रावी। तो यहाँ पर पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो जल्दी से बता दो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, O2 एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका कौन सा गलत होगा, लार ग्रंथि है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो क्या है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि एक दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो बात करें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में इनकी विशेषता क्या होती है, तो अंतःस्रावी क्या होती है, जिनसे हार्मोन का श्रवण होता है वो तो होती है अंतःस्रावी, मतलब जिसमें नलिका अनुपस्थित प्लस हार्मोन का श्रवण वो तो हो गई अंतःस्रावी। और बात करें बहिःस्राव की में क्या होती है, एक तो नलिका उपस्थित होती है और इनमें हार्मोन की जगह क्या होता है, एंजाइम का श्रवण होता है, किसका, एंजाइम का। तो बात समझ में आ गई, एक तो होते अंतःस्रावी एक होते बहिःस्रावी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस पशु के दुग्ध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इंसुलिन हार्मोन जो बीटा कोशिका से स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस पशु के दुग्ध में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ऊँटनी के दूध में, किसके दूध में, ऊँटनी के दूध में दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, देखो क्वेश्चन आ गया, लेंगरहैंस के द्वीप समूह की अल्फा व बीटा कोशिकाओं से क्रमशः कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों मैंने बात बता दी आपको पहले भी, जैसे बात बता दूं आपको एक बार फिर से ध्यान से सुनना, आप बिल्कुल समझना, सिंपल तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। देखो बात करें हम लेंगरहैंस, तो ये होता है हमारा अग्नाशय, ये होता है अग्नाशय की बात करें दोस्तों, तो अग्नाशय में छोटी ऐसे कुछ आकृति होती है, उनको बोलते हैं लेंगरहैंस द्वीप समूह, द्वीप बोलते हैं ना जो द्वीप होते हैं समुद्र में द्वीप, वैसे ही द्वीप की तरह ये होती है कोशिकाएं, लेंगरहैंस की द्वीप समूह किसमें होती है, अग्नाशय में। इनमें कोशिका पाई जाती है एक अल्फा और एक बीटा,
तो अल्फा से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है और बीटा से कौन सा? तो बीटा से तो मैंने बता दिया आपको पहले इंसुलिन हार्मोन का होता है, बीटा से कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। अब बचा कौन? अल्फा से। तो अल्फा से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है वो आपको क्रमशः बताना है। तो चलो ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, जल्दी से बता दो, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन या ग्लूकागोन, ग्लूकागोन या इंसुलिन, तो इंसुलिन या एपिनेफ्रिन। तो दोस्तों बता दें आपको, देखो पहले दिया, पहले दे रखा है आपको, पहले दे रखा क्या है? अल्फा, और उसके बाद में दे रखा बीटा। तो बीटा से आपको पता है इंसुलिन, तो बाद में इंसुलिन कौन से ऑप्शन में बाद में इंसुलिन है? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो बाद में है इंसुलिन। तो अल्फा से कौन सा? अल्फा से ग्लूकोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री सी, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन हार्मोन का स्त्रावित होना और बीटा कोशिका से इंसुलिन का, और एक होती है गामा कोशिका उससे होता है सोमेस्टोरिन, सोमेस्टोरिन हार्मोन स्त्रावित होता है किससे? गामा कोशिका से। याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकागोन हार्मोन एवं इंसुलिन हार्मोन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी कहलाती है? कौन सी ग्रंथि है जो जैविक घड़ी या जैविक अलार्म ग्रंथि कहलाती है, और इस ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है दोस्तों? ये मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को जैविक अलार्म ग्रंथि या तीसरी आंख ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। चलो आगे बात समझ में, क्वेश्चन चले नेक्स्ट की बात करें हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त है? इसका राइट आंसर सिंपल सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन की कमी से आपको पता होगा एक रोग होता है जिस रोग को बोलते हैं गलगंड रोग, जो गले में होता है वो आयोडीन की कमी से होगा। तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। चलो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी की ग्रंथि हो गई सबसे बड़ी थायराइड। तो दोस्तों याद रखना, एक होता अंतःस्रावी, पहले बता दिया आपको, एक होता बहिःस्रावी, तो अंतःस्रावी की तो सबसे बड़ी थायराइड। चलो आगे बात करते हैं, और इस अगर अंतःस्रावी की सबसे बड़ी तो हो गई थायराइड, और अगर छोटी पूछ ले कि अंतःस्रावी तंत्र की छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दोस्तों सबसे छोटी होती है आपने पीयूष ग्रंथि, कौन सी होती है? पीयूष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, अंतःस्रावी तंत्र की सबसे छोटी, ये आ गया क्वेश्चन आपके, अंतःस्रावी तंत्र की सबसे छोटी तो कौन सी बताई अभी आपने? बिल्कुल वेरी गुड, पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी तो हो गई अंतःस्रावी की थायराइड ग्रंथि, तो बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि बड़ी ग्रंथि हो गई, और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि। ये तो हो गई बात अंतःस्रावी तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहिःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि, अब दूसरा आगे क्वेश्चन देख लो, बहिःस्रावी, अब आ गई, पहले बात की अंतःस्रावी की, अब आ गया बहिःस्रावी, जल्दी से बता दो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यकृत ग्रंथि को बहिःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। अगर बात करें बहिःस्रावी तंत्र की सबसे छोटी की, तो छोटी ग्रंथि होती है श्लेष्मा, कौन सी होती है? श्लेष्मा ग्रंथि को छोटी ग्रंथि कहा जाता है, और बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यकृत। आगे बात दोस्तों, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अब देख लो, न तो अंतःस्रावी पूछी है न बहिःस्रावी पूछी है, ओनली ये पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत ग्रंथि को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, इसमें भी देखो न अंतःस्रावी पूछी है न बहिःस्रावी पूछी है, कौन सी पूछी है? सीधी सबसे छोटी ग्रंथि पूछी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी आपके पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों बात समझ में आ गई, सबसे बड़ी शरीर की पूछे
अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी नहीं पूछ के क्या पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। ये तो गई शरीर की बात करें। अगर उससे डीपली पूछ ले ज़्यादा कि अंतस्त्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अंतस्त्रावी तंत्र की थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी। आ गई बात समझ में। अगर पूछ ले बहिस्त्रावी तंत्र की ग्रंथि, बहिस्त्रावी की सबसे बड़ी की बात करें तो बड़ी हो गई यकृत। कौन सी हो गई? यकृत। अगर छोटे की बात करें तो छोटी हो गई श्लेष्मा। वेरी गुड, बिल्कुल याद रखना दोस्तों, दिमाग फिट लेना। 100% कहता हूँ, एग्जाम में टपके का क्वेश्चन 100% आएगा ही, आपके किसी भी एग्जाम में ले लो आप। ठीक है दोस्तों, ग्रंथियों से छोटी और बड़ी वाला क्वेश्चन आएगा, आपको कन्फ्यूज़ करेगा, लेकिन आपको अब कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि का कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये आपातकालीन स्थिति या तनावपूर्ण स्थिति होती है ना, तब ये हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से जनन ग्रंथि है। निम्न में से जनन ग्रंथि, किस ग्रंथि को जनन ग्रंथि कहा गया है? थायराइड को नहीं कहा गया है, थाइमस को नहीं कहा गया है, पीनियल को नहीं, तो बची कौन सी? वर्षण ग्रंथि। वर्षण ग्रंथि नर में पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है, ये एक जनन ग्रंथि है। और उसके बाद में बात करें मादाओं में, तो मादाओं में एक अंडाशय ग्रंथि है जो मादाओं में जनन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों ये आज थे हमारे अंतःस्रावी तंत्र की सीरीज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप अच्छे लगे क्वेश्चन आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी साथियों, अपने दोस्तों, अपने सभी ग्रुपों में सेंड ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम आपको अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास का नंबर नाम है परिसंचरण तंत्र। तो आप दम लगा के ज़ोर से बढ़िया एकदम अच्छी तरह से के पढ़ के आइए। परिसंचरण तंत्र हमारी अगली 7वीं क्लास होगी, परिसंचरण तंत्र। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।